आज 7 फरवरी 2023 है। आज ये मैं अपने गार्डन में, गीतांजलि गार्डन कामरूप, मैं हरिचंद कौशल जी को मैं भेंट कर रहा हूँ और इनको अभी जाना भी है अपने वहीं पर ऊंचाहार में। तो एक संक्षिप्त मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। और रात्रि में सिंगापुर का कमरक है, बड़ा वाला बेर है जो यहाँ पर है, इसी गार्डन का खुद का लगाया हुआ, वो रात में मैं बुलाऊँगा, रात में मैं भेंट करूँगा, क्योंकि अब लेबर आएगा, जब तोड़ेगा तभी संभव होगा। अचानक इनको हम बुलाए थे। संक्षिप्त परिचय में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हरिचंद कौशल रायबरेली जनपद के ऊंचाहार के रहने वाले हैं, अब यहाँ भी रह रहे हैं। तो इन्होंने वो कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य को अंजाम दिया है कि आज तक कोई रायबरेली में नहीं, यूपी के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो इन्होंने मेरे मिशन को आगे बढ़ाया। हर काम को पकड़ा, बंदर भोज ले हो, बाल भोज ले हो, गंगा जी का अनशन काल में इन्होंने ऊंचाहार में एक दिन के लिए बुलाया और बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया, और तब से फिर गंगा आरती करने लगे। लाखों लाखों रुपए इन्होंने अपने जेब से लगाया होगा 2009 से। जब ही तुम थोड़ा कमरक तोड़ के तैयार कर लो, पहले घोड़े को पीछे करो, कमरक तोड़ के और बैग तोड़ के रखो, फिर हम रात में आपको देंगे, क्योंकि उससे कम से कम 15-20 मिनट लगेगा और 15-20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो बस अभी हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के सारे मिशन को इन्होंने पूरा किया, ज़मीन से जुड़े हुए, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, बड़ी गरीबी से, और आज भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, जो हमारा मिशन था, जो हमारी स्वप्न था, जो हमारा था, सारे सपनों को इन्होंने पूरा किया और आज भी कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से उस पहले के इनके वीडियो वीडियो गंगा आरती का काफ़ी हमारे पास बना रखा हुआ है, लेकिन हमने कहा थोड़ा विशेष परिचय हम लोगों को दें, ताकि मैं चाहता हूँ इनका जैसा नाम है वैसे गुण है। तो हरिचंद कौशल जी हैं ये, और क्या नाम, इनके यहाँ स्कूलों में जब साहिबा आती थी उनको लेके हम जाया करते थे, बड़े बड़े इन्होंने प्रोग्राम किए हैं और मजे की आज भी कर रहे हैं। इनका बांदर भोज चल रहा है, बाल भोज भी करते हैं, गंगा जी के सफाई का करते हैं, आरती करवाते हैं, सारे काम इनके चल रहे हैं, वृक्षारोपण का भी काम करवाते हैं। तो कुल मिला के हम यह दिखाना चाहेंगे कि श्याम साधु के सपनों को अगर साकार किसी ने किया, किसी विंग को इन्होंने हमारा नहीं छोड़ा। अनशन काल में इन्होंने भी ऊंचाहार हमको बुलाया, अनशन में उसने हमारी उसमें है, अनशन काल में इन्होंने ही हमारा पूरा साथ दिया, इसी से राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुई गंगा जी। और उसके बाद में जब वहाँ हम पहुँचे, इन लोगों को भाई वहाँ का भी भीड़ इकट्ठी हुई, जब हुई तब मनमोहन सरकार तक बात पहुँची, बड़ा हलचल मचा है रायबरेली में। तुरंत 49-48 दिन रात्रि में घोषणा हुई कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और इसके बाद में ये समझिए कि 49 दिन, भाई हमको सुबह पता लगा, हम तो अनशन में बैठ गए थे, तो लोगों ने कहा अरे बाबा हो गया, हमने कहा चलो एक दिन और हमारा बढ़े तो अनशन में। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, सबका वीडियो सीडियो सब रखा है। तो कुल मिला के मैं चाहता हूँ यूपी के अंदर बहुत से महारथी लोग पड़े हैं, जैसा ये हरिचंद जी ने जो मेरा साथ दिया, हमारे मिशन को आगे बढ़ाया है, उसे मैं ये चाहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, तो उनके यहाँ भी कुछ ऐसे आप लोग काम को आगे बढ़ाइए, तभी बड़ा अच्छा लगेगा। वरना हम खाली जय श्री राम बोलने से नहीं, अब इसीलिए मैंने नारा दिया है जय श्री राम काज, तो सरकार खैर कर रही है, लेकिन सरकार ही क्यों करे। आम हरिचंद कौशल इतने बड़े रायबरेली में अकेले यही है क्या? और लोगों को आगे आना चाहिए, लोग काम करो, हमारी तारीफ न करो, हमारी वीडियो न बनाओ, आप काम करो। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग देखो, एक आगे इस बात को आगे बढ़ाओ। और देखिए ये जितने झिल्ली बंधी है ना, यही सेब का एक अमरूद है। अब जो इलाहाबादी होता है वो एक अलग किस्म का होता है, ये सेडेड वाला जो होता है, अभी और भी कई अमरूद निकल चुके हैं, बिल्कुल अब दूर से कोई रखेंगे तो लोग कहेंगे ये सेब है क्या, ये लोग जल्दी पहचान नहीं पाते हैं।
तो कुल मिला करके ये हमको भेज, रात में हम सिंगापुर वाला कमरा खैर भेज वगैरह भी इनको भेज करेंगे, जो भी हमारे यहाँ फल निकलेंगे। नारियल है, अब वो भी नारियल रखा हुआ है, देख लो सामने ऊपर दिखाइए पेड़ में, वहाँ भी लगे हैं। जब वहाँ लगे हैं तो फिर ये लोग आते हैं, जब नहीं हमको तोड़ने में दिक्कत आती है तो इसी से हम लोगों को भेंट करते हैं, बात एक ही है। तो उनको भी हंसी आती है, कहने अरे महाराज आपके यहाँ लगी है, जब हमको न दिन है भाई यहाँ माल न हुई तो हम तोड़ ले, और इसका तोड़ना बड़ा कठिन काम है। तो कुल मिला के आपने इसको देखा, और देखने के बाद ऊँचा हार में हरिचंद कौशल, इनकी कई दुकानें हैं वहाँ, एक मनीष बर्तन भंडार है और वस्त्रालय भी है। वो किस किस नाम से है? मनीष वस्त्रालय है जी, राजेश मेटल्स है, नैना ज्वेलर्स है। अच्छा, यहाँ पर मनीष ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान। अच्छा अच्छा, यही सर्राफे में अभिदान पब्लिक स्कूल है। अभिदान पब्लिक स्कूल तो बड़ी फेमस है। एक अभी ये बेस्ट ब्यूटी मॉल खोला है वही चहान बिजली घर के सामने। अच्छा, अरे वाह। और बच्चों का सब अपना कार्यक्रम है, सब चलते रहते हैं, सब चलता रहता है। नहीं बड़ा मतलब ऐसा है कि ऐसा भरा पूरा सुंदर परिवार, और स्वामी प्रसाद की हालत यही कि हमारे लड़का ब्लॉक प्रमुख लड़ा रहा है, बहन की यही का आशीर्वाद हमारे सबसे, अपने बेजदाइन मिट्टी मिल जाएगी, अपने आप इसको पहनना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, हम कहते नहीं मगर उनकी समय अब आ गई है। सेठ जी आपका कार्य जो है ना, आपका कार्य, हम किसी को गलत निगाह नहीं देखते, ना करते हैं। नहीं, आपका कार्य ही लोगों को ले डूबेगा अगर कोई गलत करेगा। वही हाल श्याम साधु के साथ हुआ है। हम कैसे दिन बैठेंगे तो सारा हाल बताएंगे। तो कुछ है इसको हमने बनाया है, और अब काफ़ी दिनों से हम नहीं जाना हुआ है। अब हमने गाजर के लिए फरमाइश किया, काली गाजर कहीं नहीं मिलती है, और काली गाजर जिनको आँख की दिक्कत हो, शिकायत हो, आप काली गाजर खाइए या उस पर रस निकाल के पीजिए, दो महीने के बाद बताइए कितना फ़र्क आया, आपका चश्मा भी उतर सकता है। कल ही बेचारे रात पे ले आए हैं जाके हमारे लिए, कल लेके आए, कहीं जब की जरूरत हो बताइएगा, हम उसको ला दिया करेंगे। ये इनकी महानता है, ये इनका बड़प्पन है, और इसीलिए आगे बढ़े हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम काठ।